देखो अभी क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा है? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया कि यह हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज में लगेगा। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाले कोण को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है? इसे कर्ण कहते हैं। बाकी जो भुजा में जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, अभी के लिए मैंने ये बताया कि इसे आप आधार कह दोगे, ठीक है? और बाकी जो दूसरी भुजा है उसे हम लंब कह सकते हैं, है ना? इसे मैंने लंब कह दिया। अब इसका नाम किस तरीके से लिख दिया? ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम इन तीनों भुजाओं में एक संबंध था, और वो संबंध क्या है? एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, कर्ण का वर्ग, ये वर्ग करना नहीं भूलोगे, बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही था ना, यही था ना, बताएं, यही पढ़ाया गया था। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही चीज पढ़ाई गई थी। और शॉर्ट में क्या बताया था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है? यही बताया गया था, काफी आसान है, ठीक है? इस त्रिभुज के लिए अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे AC। अच्छा ये बताइए, ये सही है क्या? अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो ये सही है क्या? AC बराबर BC प्लस AB, ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या? यस या नो? इसको ध्यान से देखेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम सही लिखा हुआ है क्या? ये गलत है, आप सभी ने वाई बोल रहे हो आप, ये तो गलत है ना। AC बराबर BC प्लस AB नहीं होगा। मैंने आपको बोला ये वर्ग करना बहुत जरूरी है, अगर वर्ग नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? ये मैं बार बार बोल रहा हूं, और लास्ट क्लास में बोला था, फिर भी आपने आज गलत किया। तो अगर इस तरीके से होगा तो आप गलत कर दोगे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि AC का जो वर्ग होगा वह होगा ये BC का वर्ग जोड़ AB का वर्ग। इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखना होगा, आप अगर वर्ग नहीं लाओगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज समझ में आई या नहीं? वाई या एन? लास्ट क्लास में ही पढ़ाया गया था, इतना समझ में आ गया, ठीक है? तो क्या करते हैं, इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं ना। तो ये चीज तो लास्ट क्लास में ही पढ़ाया गया था, तो क्या करेंगे, अभी पोल सेक्शन में जो क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा है, पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने किया था। तो कोई एक समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण और आधार, पहले आधार और फिर कर्ण, आधार और कर्ण के अगर मान दिए गए हैं तो आप ये बताएं कि ऊंचाई कितनी होगी त्रिभुज की, या उसकी लंब कितनी होगी। तो मैं फिर से एक चीज आपको हिंट दे दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा, वर्ग अगर आप लगाना भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? तो वर्ग आप जरूर लगाओगे। यहां पर देखें, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आधार का मान और कर्ण का मान दिया गया है तो उसकी ऊंचाई आप कैसे निकालोगे? जल्दी से आंसर करें, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में भी किया था ना। 10 सेकंड और रुकेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन लास्ट क्लास का रिकॉल क्वेश्चन है ना, तो 10 सेकंड में बस पोल को एंड कर दूंगा। अच्छा, आपका आंसर तभी आता है जब आप पोल में आंसर करते हो, ठीक है? तो आपको हमेशा पोल में आंसर जरूर ट्राई करना है, एक बार ट्राई जरूर करो, चाहे वो आंसर गलत हो
या सही हो, ट्राई जरूर करना है, ठीक है। और जिनका पोल नहीं आता उनकी अलग बात है, ठीक है, तो वो चैट में आंसर दे देंगे, ठीक है। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, अगर आपने आंसर नहीं किया तो क्या करोगे, चैट में फिर आंसर दे दोगे, अगर आप में पोल नहीं आता तो चैट में आंसर दे दोगे। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, चलिए अब चैट में आंसर देंगे, जिनको भी आंसर देना, मैं चैट देख रहा हूं। आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अच्छा, काफी बच्चों के फिर से आंसर गलत हुए हैं, मैक्सिमम सभी के आंसर ऑप्शन सी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसी तरीके से मिलता जुलता, ठीक है, तो आपको ध्यान से करना था। अब देखे, जिसका भी आंसर गलत भी हुआ या सही भी हुआ, ध्यान से देखे, समझ में आ जाएगा। अगर एक समकोण त्रिभुज बना ले, अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा तो मैं सही बनाऊंगा, एक समकोण त्रिभुज बना लूंगा। अब कह रहा है कि आधार का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो इसमें आधार कौन सा होगा, ये वाला 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब कर्ण का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण किसे कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे, और यह 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें ऊंचाई पूछी जा रही है, ऊंचाई मतलब ये लंब, जिसे हम लंब कह रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली भुजा की लंबाई पूछी जा रही है, जिसे मैं अभी ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, तो ये लंबाई हमने ज्ञात कर ली, ठीक है, ऊंचाई। अब अगर इस वाले त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लिखने की कोशिश करें, तो आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखोगे, अगर मैं इसे नाम दे दूं PQR, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा है यहां पर, PR है कि नहीं, कर्ण कौन सा है, PR, PR का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग, आधार कौन सा है, आधार आपको दिख रहा होगा QR, तो QR का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, तो लंब कौन सा दिख रहा है आपको, लंब PQ, तो लंब कौन सा है, PQ, ठीक है। इतना समझ में आया कि ये मैंने कैसे लिखा, वाई आर लिखकर जल्दी से बताएं, ये वाला जो इक्वेशन मैंने अभी लिखा ये समझ में आया या नहीं आया, ये बस पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो सभी के मान रख दे, तो आपको जब क्वेश्चन देता हूं तो इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है, कॉपी में सोल्व करना है। तो PR का मान कितना दे रखा है बताएं, तो PR का मान हमें दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने रख दिया यहां पर 5 का वर्ग, ठीक है। अब QR का मान कितना है, तो QR का मान आपको दिख रहा है कि नहीं, 3 सेंटीमीटर, तो QR का मान रख दिया 3 का वर्ग। अब PQ का मान तो हमें नहीं पता, PQ का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ये लिख दिया PQ का वर्ग। अब हम इसके इक्वेशन को अगर सोल्व करते हैं, समीकरण को सोल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 3 का वर्ग आपको याद होना चाहिए 9, और ये PQ के वर्ग के बराबर है, तो ये 9 प्लस PQ का वर्ग। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 9 को अगर इस साइड लेके गए, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस 9 बराबर PQ का वर्ग, यानी 16 बराबर PQ का वर्ग, ठीक है, यानी PQ का जो वर्ग है वह 16 के बराबर है। 16 किसी नंबर का वर्ग है या नहीं, यस या नो, और है तो किसका वर्ग है, 16 किस नंबर का वर्ग है, ये मुझे बताएं। तो आपको पता है 4 का जब आप वर्ग करोगे तो 16 मिलेगा, 4 × 4 = 16, हम क्या कह सकते हैं, PQ का जो वर्ग है 4 के वर्ग के बराबर है। तो मैंने ये लिखा, PQ का जो वर्ग है ये 4 के वर्ग के बराबर है। तो ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, आपको वर्ग से वर्ग को हटा देना है ना, दोनों तरफ अगर वर्ग लगा हुआ है तो वर्गमूल ले लेंगे, या सिंपली क्या करोगे, वर्ग से वर्ग को हटा दोगे तो आपको मिल जाएगा PQ का लंबाई कितना है, PQ का लंबाई 4 सेंटीमीटर है। किसी का आंसर सही हुआ था क्या, तो इसका आंसर ए है, किसके किसके आंसर सही हुए थे ये बताएंगे, जिसके आंसर सही हुए थे वो बताएंगे वाई लिखकर, काफी लोगों के आंसर गलत थे, मैक्सिमम के आंसर सी थे, तो सी गलत होगा, डी गलत हुआ, ये गलत हुआ। अच्छा, सभी लोग वाई लिख रहे हैं, सभी के आंसर सही थे क्या, तो ये समझ में आ गया कि इसका आंसर ए क्यों होगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं,
हाँ बिल्कुल सही था, तो अच्छी बात है, काफी के सही भी थे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आज के फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, बस एक सेकंड आप लोग रुक जाओगे फिर हम लोग क्लास। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज सर्वांग समता पढ़नी है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के नाम आप सभी ने सुनी होगी, सर्वांग समता का नाम सुना है या नहीं, सभी लोग बताएं सर्वांग समता के बारे में सुना है या नहीं सुना है। सुना है तो सर्वांग समता क्या होती है, कोई भी दो चीज, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दो चीज, कोई भी सिर्फ आकृति ही नहीं, मैथ्स में ही नहीं, आपके आसपास भी कोई दो वस्तु अगर उनके आकार और आकृति बिल्कुल एक जैसे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दो पेंसिल दिख रही है, पेंसिल नंबर एक और पेंसिल नंबर दो, तो इन दोनों को आप सर्वांगसम कहोगे या नहीं कहोगे। तो हम ये दिख रहा है कि पेंसिल एक और दो, इन दोनों के आकृति तो बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना, बिल्कुल आकृति दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों के आकार भी एक जैसे हैं। आकार मतलब इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बिल्कुल एक जैसे है, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, आकृति को शेप कहते हैं और आकार को साइज कहते हैं। तो शेप एंड साइज आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि उनके देखने में बिल्कुल एक जैसे लगने चाहिए और उनके साइज भी एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक सर्कल यहाँ पर इस तरीके से बनाऊं और दूसरा वृत्त इस तरीके से बनाऊं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, आकृति तो एक जैसी है, लेकिन आकार अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये दोनों को सर्वांगसम बोलेंगे क्या, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, तो आकार भी बिल्कुल एक जैसे, ये चीज ध्यान दीजिएगा, दो भी चीज अगर बिल्कुल एक जैसे हो तभी सर्वांगसम बोलेंगे। ये समझ में आया। तो अब क्या करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति, है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग आकृतियों की सर्वांगसमता देखते हैं कि दो आकृति को हम लोग सर्वांगसम आकृति कब कहेंगे। ठीक है, दो आकृति को सर्वांगसम कब कहेंगे, जब भी मैं सर्वांगसम बोलूं तो सर्वांगसम का मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कोई भी दो चीज जो बिल्कुल एक जैसे हो। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे, जैसे आपका दोनों हाथ दिख रहा है आपके, ठीक है ना, दाया हाथ और बायां हाथ, आप अगर इसे देखोगे तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों को अगर एक के ऊपर एक रख दोगे तो दाया हाथ बाएं वाले को ढक लेगी और बाएं वाला दाएं को ढक लेगी, है ना, दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगी। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ही हाथ एक दूसरे के सर्वांगसम है। इस तरीके से आप कोई भी दो चीज को बोल सकते हो। तो आकृति के बारे में क्या बोला जाएगा, अगर मैं दो सर्कल या दो वृत्त इस तरीके से बनाऊं, अब ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों के साइज भी एक जैसे हैं, आकार भी एक है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों सर्वांगसम। ठीक है, अगर मैं एक वर्ग बनाऊं और दूसरा वर्ग बनाऊं स्क्वायर, अब ये दोनों के अगर आकृति एक जैसे है, मतलब दोनों ही बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं और दोनों के साइज भी एक जैसे है, मतलब आकार भी बराबर है, तो क्या कहेंगे, ये दोनों सर्वांगसम। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को आप देखो, तो इन दोनों त्रिभुज को आपको देखने में क्या लगेगा कि दोनों की आकृति एक जैसी है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपको दिखने में एक जैसी लग रही होगी कि हाँ दोनों बिल्कुल एक जैसी है। अब आकार देखते हैं, साइज देखते हैं, तो साइज भी हमें दिख रहा है कि इसका जो भुजा का जो लेंथ दिया हुआ है, लंबाई, ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यह भी 2 सेंटीमीटर है, और यह 3 सेंटीमीटर है तो यह भी 3 सेंटीमीटर है, मतलब इनके आकार भी बिल्कुल एक जैसे है, मतलब साइज भी बिल्कुल एक जैसे है, तो क्या कहेंगे, ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है ना, तो ये दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया या नहीं आया, वाई आया, इतना समझ में आया या नहीं। तो देखो आपके जो सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में जो है, वो त्रिभुज के सर्वांगसमता पढ़नी है। ठीक है, मतलब सर्वांगसमता के नियम भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर मैं बोल रहा हूं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है, तो इसे किस तरीके से लिखकर दिखाएंगे। अगर मान लो मैं कह रहा हूं
एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर है, तो इसको लिखने के लिए एक तरीका है ना, आप ऐसे लिखते हो एक्स बराबर वाई, आप बार बार तो नहीं लिखते हो एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर है, इतना लिखने में काफी समय लग जाएगा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं मैथ्स में इस तरीके से लिख देते हैं कि एक्स बराबर वाई। तो अगर ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम है तो इसे आप कैसे लिखकर दिखाओगे, तो आप ये नहीं लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। देखो इस तरीके से एक सिंबल होता है ऐसा है ना, मैं फिर से बना लू दो, बराबर बनाओगे इस तरीके से, बराबर के ऊपर इस तरीके से बना दोगे, तो यह क्या है सर्वांग समता का चिन्ह होता है। हाँ कैसे पता करेंगे वो तो अभी सीखने वाले हैं, पता कैसे करेंगे वो तो आज सीखेंगे हम लोग, अलग अलग तरीके के नियम होते हैं ठीक है। अभी मैं ये बता रहा हूं कि अगर सर्वांगसम है तो आप लिखोगे कैसे, तो आप ये लिखोगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है, इस तरीके से आप लिखते हो ठीक है, और इसके नियम तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम है। ये समझ में आया या नहीं आया कि आप लिखते कैसे, एक एक करके सीखते हैं सभी चीजों को ठीक है, पहले ये सीख लो फिर उसके बाद नियम देखेंगे, सभी चीजों को धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके सिलेबस में। चलिए ये अगर समझ में आ गया आप किस तरीके से लिखते हो, तो आपको क्या समझना है, और आपको ये समझना है कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, एक संगत शीर्ष, दूसरा संगत कोण, तीसरा संगत भुजा। इन तीनों के बारे में पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सर्वांगसमता के नियम देखें कि आपको कैसे पता चलेगा कि दिया गया दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो उसके पहले क्या देखते हैं, संगत क्या क्या बोला, संगत शीर्ष, संगत भुजा और संगत कोण, तो ये तीनों क्या होती है। देखो यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो। अब मैंने ये बोल दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज एबीसी ये वाला चिन्ह और त्रिभुज पीक्यूआर, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे ठीक है, इसका लिखने का यही मतलब होगा, त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम है ठीक है, इस तरीके से लिख दिया गया। अब देखिए अगर मैं संगत शीर्ष की बात कर रहा हूं, अच्छा इसका यूज क्या करेंगे वो तो बाद में देखेंगे, पहले पहचानने के लिए सीख लो। सबसे पहले क्या लिखा गया है ए, तो दूसरे वाले त्रिभुज में देखो सबसे पहले क्या लिखा गया है पी, तो ए और पी को क्या कहेंगे संगत शीर्ष कहेंगे ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया है बी, तो इसमें देखो दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया है क्यू, तो बी और क्यू को क्या कहेंगे संगत शीर्ष कहेंगे। फिर तीसरे नंबर पे पहले त्रिभुज पे क्या लिखा गया है सी, और यहाँ भी आर, तो सी और आर क्या है संगत शीर्ष है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो या इस तरीके से भी आप मिलान कर सकते हो, काफी आसान है यह सारी चीज। ए को मैंने पी से मिला दिया, बी को जो बीच में है तो उसके भी बीच वाले से मिला दिया, और सी सबसे लास्ट में लिखा गया आखिरी में तो इसके आखिरी वाले से मिला दिया ठीक है ना। तो यहां से आपको दिख रहा होगा ए और पी संगत, बी और क्यू संगत और सी और आर संगत, ये समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया या नहीं आया, संगत आप देखोगे कैसे, संगत शीर्ष कैसे पहचानोगे, ये तो काफी आसान था ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संगत कोण के बारे में, तो जिस तरीके से संगत शीर्ष आपने देखा, फिर से मैं दिखा रहा हूँ यहां से देखिए, ए पी बी क्यू और सी आर, तो अगर ये संगत शीर्ष है तो संगत कोण भी ऐसे ही होंगे, बस आपको दोनों तरफ कोण लगा देना है, कोण ए कोण पी के संगत होगा, कोण बी कोण क्यू के संगत होगा और कोण सी कोण आर के संगत होगा ठीक है। तो कोण ए किसके संगत होगा, कोण बी के, कोण बी क्यू के और कोण सी कोण आर के, जिस तरीके से संगत शीर्ष को पहचाना बिल्कुल उसी तरीके से आपको पता ही हर शीर्ष पे कोण बनेगा, हर वर्टेक्स पे कोण बनता है एंगल बनता है, तो जिस तरीके से आप संगत शीर्ष पहचानोगे उसी तरीके से संगत कोण भी पहचानोगे, कोरस्पॉन्डिंग
वर्टेक्स जैसे पहचानोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी वैसे ही पहचान लोगे। ये समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया इतना चीज? अब इसका यूज क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा कि इसका क्या उपयोग करेंगे, क्या हम क्यों ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं कि संगत शीर्ष और संगत भुजा का हम लोग क्या यूज करेंगे। देखो, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मैंने क्या बोला, सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम का मतलब क्या, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि बिल्कुल एक जैसे। अच्छा सरोज, आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। जब भी सर्वांगसम बोलूं आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल एक जैसे। तो अगर बिल्कुल एक जैसे हैं ये दोनों त्रिभुज, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो अगर यहां पर आपको दिख रहा है कोण ए और पी, जैसे यहां पर सबसे पहले क्या लिखा गया है, ए, तो यहां पर भी पी ले लिया, तो कोण ए और पी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। उसी तरीके से कोण बी क्या होंगे, कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी क्या होगा, कोण क्यू के कोण आर के बराबर होगा। यानी ये वाला कोण कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। संगत कोण आपस में बराबर होंगे अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो। ठीक है, इतना समझ में आया कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। वाई एन लिखकर बताएंगे, ये काफी आसान था कि संगत शीर्ष कोण पहचानोगे कैसे और वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब संगत शीर्ष आप पहचान लोगे, संगत कोण पहचान लोगे, संगत कोण को बराबर भी कर दोगे। अगर यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तभी ऐसा लिखोगे आप। चलिए अब संगत भुजा देखते हैं कि संगत भुजा, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भुजा आप कैसे पहचानोगे। देखो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा गया है, ए बी, पहला वाला मैं आगे वाला दोनों को ले रहा हूं, तो यहां पर भी क्या लिया, पी क्यू ले लिया। तो ए बी और पी क्यू क्या दिख रहा है, संगत भुजा। ये आपको दिख रहा है ए बी और पी क्यू क्या है, संगत भुजा है। इसे संगत भुजा कहेंगे, पहचानने के लिए पहले सीख जाओ उसके बाद इसका यूज देखेंगे। ये समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि बी सी के संगत कौन सी भुजा है, तो आप बी सी यहां पर देखो, तो इस यहां पर भी उसी तरीके से देखो, यहां पर क्यू आर है, ए को मैंने यहां छोड़ दिया तो यहां पी को छोड़ दो। ठीक है, तो बी सी और क्यू आर क्या है, संगत है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि सी ए, तो सी ए आपको यहां दिख रहा है, ये दोनों को लिया, बी को मैंने छोड़ दिया, तो आप इस वाले त्रिभुज में क्यू को छोड़ दो। तो जो काम आप इस साइड कर रहे हो वही काम इस त्रिभुज में कर दो। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सी ए अगर मैं ले रहा हूं तो यहां पर मुझे आर पी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सी ए और आर पी क्या है, संगत भुजाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान लो। अच्छा चित्र नहीं भी दिया गया तो आप इस तरीके से, मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं, त्रिभुज एक्स वाई जेड और सर्वांगसम मैं लिख दिया त्रिभुज यू भी डब्लू। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्स वाई के संगत, सभी लोग बताएंगे एक्स वाई के संगत कौन सी भुजा होगी, एक्स वाई के संगत कौन सी भुजा होगी, चैट में लिखकर बताएंगे। अगर मैं यहां पर एक्स वाई को ले रहा हूं तो इस वाले में भी आप आगे वाले दो के ले लो, तो आप बोलोगे यू भी, है ना, तो आप बोलोगे यू भी। ठीक है, इतना आसान है। अगर मैं एक्स जेड पूछ रहा हूं तो क्या किया, वाई को छोड़ दिया, तो आप इस वाले त्रिभुज में भी को छोड़ दो, तो आप यू डब्ल्यू ले लोगे। तो अगर मैं एक्स जेड बोल रहा हूं तो आप यू डब्ल्यू बोलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप तो संगत भुजा पहचान लोगे। ठीक है, लेकिन इसका यूज क्या करेंगे, क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज क्या करेंगे कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है मतलब बिल्कुल एक जैसे है, तो इनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, संगत भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो हम क्या कहेंगे, ए बी पी क्यू के बराबर होगा, बी सी क्यू आर के बराबर होगा, और सी ए आर पी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ये जो भुजा ए बी दिख रही है यह पी क्यू के बराबर होगा, ये जो भुजा मुझे बी सी दिख रही है यह क्यू आर के बराबर होगा, और ये जो भुजा मुझे ए सी दिख रही है यह पी आर के बराबर होगा। ठीक है,
अच्छा, जो भी बच्चा अंजलि के नाम से जो बच्चा है, अपना आप कैमरा बंद कर दो, कैमरा कोई भी ऑन नहीं रखेगा, ठीक है? पूरे क्लास में आपको माइक भी बंद रखना है और कैमरा भी बंद रखना है। चलिए, हाँ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि संगत भुजा तो पहचान लोगे और संगत भुजा को आप बराबर भी कर दोगे, ठीक है? अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको चित्र ये दिया रहे, चित्र बिना देखे हुए भी आप बता सकते हो, ठीक है? आपको इस चित्र को भूल जाना है, आप इस चित्र को मत देखो, इस चित्र को नहीं देखना है। अब यहाँ पर बस ये देखो कि अगर ये दिया गया तो आप संगत भुजा पहचान लोगे कि नहीं, तो आप यहीं से देख के बता दोगे ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है? इतना समझ में आ गया, ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो संगत भुजा और संगत कोण के बारे में हमने सीख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर्वांग समता के नियम पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब अभी किसी ने पूछा था कि हमें पता कैसे चलेगा ये जो त्रिभुज दिया गया है ये दोनों सर्वांग सम है, ठीक है? अच्छा, कुछ सेकंड के लिए मेरी स्क्रीन अगर नहीं दिख रही तो एक बार आप लोग रुक जाओगे, कुछ देर के लिए आप लोग वेट करेंगे, मेरी स्क्रीन किसी को अगर नहीं दिख रही है तो कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे, फिर से आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। अच्छा, मेरी आवाज सभी को आ रही है क्या? सभी लोग बताएंगे मेरी आवाज आ रही है क्या? और मेरी स्क्रीन फिर से दिखने लगी क्या सभी को? ठीक है, मेरी स्क्रीन दिखने लगी तो अब क्लास कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है? अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम, यानी साइड 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 एक नियम है, तो इसे क्या कहेंगे? यस लिखने का क्या मतलब होता है? यस का मतलब है साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भुजा भी कहते हैं, है ना? तो इसे पूरा नाम इसका क्या है, भुजा 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 प्रतिबंध, लेकिन इतना लॉन्ग हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, एस 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 प्रतिबंध, मतलब साइड 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 क्रिटेरिया, ठीक है? तो यह नियम क्या कहता है, पहले इस नियम को समझ लेंगे फिर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो इस नियम के बारे में पहले समझते हैं। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, यदि कोई त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज, हमेशा हमें दो त्रिभुज चाहिए सर्वांग समता देखने के लिए, हमेशा हमें दो त्रिभुज चाहिए, तो किसी भी एक त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे के तीनों ही भुजाओं के बराबर है, तो वो एस 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 से, मतलब साइड 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 से दोनों ही सर्वांग सम होंगे। तो आप यहां पर अगर इन दोनों त्रिभुज को देखो तो हमें क्या दिख रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों त्रिभुज को आप अगर देखो तो आप क्या कह सकते हो, यहां पर एक भुजा ए है, यहां भी मुझे एक भुजा ए दिख गई, दूसरी भुजा बी की दिख रही है, दूसरी भुजा यहां भी बी दिख गई, और यहां पर सी दिख रही है, यहां पर भी सी दिख रही है, मतलब त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की एक एक भुजा के बराबर है। इसे और डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं ना कि ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, जिसे मैं एक तो ये लाइन मार रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। अगर मैं बी सी भुजा को देखूं तो बी सी भुजा की लंबाई सी है, तो यहाँ क्यू आर की भुजा भी लद्दू सी है, तो हम कह सकते हैं बी सी क्यू आर के बराबर है। अब ए सी की लंबाई देखो बी है, तो यहाँ भी पी आर की लंबाई बी है, तो इन दोनों की भी लंबाई क्या है, बराबर है, तो हम कहेंगे ये दोनों तीनों ही भुजा बराबर है। एक भुजा मिल गया, फिर दूसरा भुजा मिल गया, फिर तीसरा भुजा मिल गया, तीनों ही बराबर है, तो क्या कहेंगे, साइड 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 या भुजा 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 प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। इस तरीके से हम लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम, ठीक है?
तो इसे और एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, फिर ठीक है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो इसे हम लोग एक और उदाहरण से सीखते हैं पहले। तो यहां पर आपको दिया गया है, दो त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी, ये वाला त्रिभुज कौन सा है, एबीसी, और यह त्रिभुज पीक्यूआर। अब मुझे ये बताएं, हमें चेक करना है ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं, बस हमें ये बताना है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, और है तो कैसे है। तो देखो कैसे आप चेक करो, जिसे आता भी हो या नहीं आता हो, ध्यान से सुनेंगे सभी चीजें आपको समझ में आएगी तभी। इस वाले त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि ए बी की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ इस वाले त्रिभुज में कोई भुजा है जो 4 सेंटीमीटर की है, तो हमें दिख रहा है हाँ एक भुजा ऐसा है जो 4 सेंटीमीटर का है, कौन सा, पी क्यू। तो मैंने ये कहा कि ए बी और पी क्यू क्या है, भुजा है जो आपस में बराबर है। तो ये वाला तो हमें मिल गया कि ए बी और पी क्यू क्या है, आपस में बराबर है, एक भुजा बराबर मिल गया। अब दूसरा भुजा देखते हैं, तो एक एस मिल गया हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा भुजा, दूसरा भुजा कितना बड़ा है, 3 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर दी गई। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि एक भुजा क्यू आर ऐसी है जो 3 सेंटीमीटर लंबी है ना, दिखा कि नहीं दिखा। तो बीसी क्या है, बीसी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तो ये भी भुजा हमें, दूसरी भुजा भी मिल गई, तो एक साइड मिली, दूसरी भुजा भी मिल गई बराबर। अब तीसरी भुजा देखते हैं, तीसरी भुजा क्या है, एसी जो 2.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहां हमें दिख रही है पी आर या आर पी, कुछ भी आप बोलो, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर लंबी है ना। तो एसी और पी आर भी हमें क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो तीसरी भुजा भी हमें बराबर दिख गई। तो अब हम लोग यही बोलेंगे इस त्रिभुज को देख के, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या पता चला, पहली भुजा बराबर, दूसरी भुजा बराबर, और तीसरी भुजा भी बराबर है ना। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या है, साइड से, ये बताना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं बताओगे तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा, ठीक है। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि आप सर्वांगसम क्यों कह रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज एस 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 यानी भुजा 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 प्रतिबंध से, ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। और इस तरीके से आप लिखोगे, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम है, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया, इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, इतनी चीज सभी लोग बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, सभी लोग चैट में अभी आंसर करेंगे। ये सारी चीज अगर समझ में आ गई तो और हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, मतलब ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अभी हाँ, और हमें क्या जानना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाले त्रिभुज को आप देखो, तो इसका नाम आपने क्या दिया, त्रिभुज पी क्यू आर मैंने नाम दिया। तो इस त्रिभुज को हम क्यू पी आर भी तो बोल सकते हैं ना, इस त्रिभुज को क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, इस त्रिभुज का नाम आप आर पी क्यू भी लिख सकते हो, हाँ या ना, सभी लोग बताएंगे। इस त्रिभुज को पी क्यू आर, क्यू पी आर, आर पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नाम, त्रिभुज का नाम देते समय मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज को किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, नाम बिल्कुल सही होगा। तो मैंने अभी आपको ये बोला कि त्रिभुज एबीसी इसके सर्वांगसम है, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज आर पी क्यू के सर्वांगसम है, यस या नो, बिल्कुल दोनों सेम बात होगी या गलत हो जाएगी कुछ, यस या नो लिखकर बताएंगे। अच्छा कुछ बच्चों के आंसर वर्ड यस है, कुछ के नो है, ठीक है। तो इसे अब ध्यान से सुनेंगे, यही सारी चीजें हैं जो आपको सीखना है, ठीक है। अब यहां पर सुनेंगे, जिनके भी आंसर वाई हैं, सभी के आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, ऐसा लिखना गलत होगा। अब ध्यान से सुनिएगा आपको सीखना क्या है। तो यह तो सही लिखा गया है, त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के सर्वांगसम है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो ये लिखना गलत हो जाएगा। तब आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कैसे गलत हो गया मेरा, क्योंकि पी क्यू आर और आर पी क्यू त्रिभुज तो एक ही है, तो इस तरीके से नाम बस बदल जाने से हमारा आंसर क्यों गलत हो गया।
तो गलत क्या हुआ, लिखने का क्रम, ठीक है, लिखने का ऑर्डर गलत हो गया। तो सर्वांग समता आप जब भी लिखोगे त्रिभुज में, तो त्रिभुज का नाम लिखते वक्त आप बहुत ध्यान से नाम लिखोगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे ज्योमेट्री, पूरे सर्वांग समता में त्रिभुज का नाम लिखना सबसे महत्वपूर्ण है, किस तरीके से आप नाम देते हो। तो अब देखते हैं कि हमारा ये गलत क्यों हो गया, ठीक है, आप किस तरीके से नाम दोगे, ठीक है, ये सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर एक त्रिभुज बनाऊं, इस त्रिभुज का नाम क्या है, एबीसी। एक और त्रिभुज मैंने बना दिया इस तरीके से, और इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। इस त्रिभुज के भुजाएं जो है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज का जो भुजा है, यह 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये दोनों त्रिभुज जो आपको दिख रही है, नितिन के नाम से जो बच्चे अपना माइक आप बंद रखेंगे, आप इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब नहीं करोगे, अदरवाइज आपको क्लास से एकदम रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चैट में लिखकर बताएं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, बस इतना बताएंगे, यस या नहीं। त्रिभुज एक और त्रिभुज दो सर्वांगसम है या नहीं? हाँ, तो ये तो आपको पता है कि हाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। पहला आंसर क्या मिला, त्रिभुज सर्वांगसम है। कोई एक बच्चा ऐसा है जो अपना माइक ऑन रखा है, नितिन मैं आज बार बार आपको बोल रहा हूं, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, तो आपको माइक बंद रखना है, ठीक है। तो यहां पर पहला आंसर तो हमें मिल गया कि हाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब मैं अगर इस तरीके से लिखूं कि नाम किस तरीके से दे, चलिए सबसे पहले ये देखेंगे। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो ये सही होगा क्या? तो नहीं, मैं ही बता दे रहा हूं अभी के लिए, ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। तो देखते हैं क्यों गलत होगा। यही चीज लास्ट ये वाले स्लाइड में भी आपको दिखी थी कि ऐसा लिख दिया तो गलत हो गया, ऐसा लिखने पे गलत हो गया, है ना। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से नाम हम लोग देंगे। नाम देने के लिए मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो आप नाम कैसे लिखोगे, तो नाम देने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक त्रिभुज तो सबसे पहले लिख दिया, सबसे पहले मैंने लिख दिया त्रिभुज एबीसी। अब हम देखते हैं कि ये त्रिभुज का नाम किस तरीके से लिखे, दूसरे वाले त्रिभुज का नाम हम किस तरीके से लिखेंगे ताकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। तो देखो एबीसी, तो ए से बी की तरफ गया फिर सी की तरफ आया, इस तरीके से आया ना, ऑर्डर देखना आप, ए से बी की तरफ फिर सी की तरफ। तो भुजा का लंबाई देखो 5 सेंटीमीटर, सबसे पहले क्या मिला, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर साइड में मैंने लिख लिया, पहले 5 मिला, फिर क्या मिला, 9 मिला, फिर 9 मिला, उसके बाद क्या मिला, 7 मिला, 5 9 7। अब इस ऑर्डर को आपको ध्यान से देखना है, आवाज आ रही होगी, अगर आवाज नहीं जा रही तो आप एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लोगे, आवाज मिलने लगेगी, क्योंकि सभी को आवाज आ रही है, ठीक है। लेफ्ट करोगे, जल्दी से ज्वाइन कर लोगे तो आपको आवाज मिलने लगेगी। चलिए अब ध्यान से देखें, तो यहाँ पर 5 9 7, तो इस वाले त्रिभुज में आपको उसी ऑर्डर में जाना है, 5 फिर 9 फिर 7। तो पहले हमें दिखा 5 यहाँ पर है, फिर 9 यहाँ पर है, फिर 7 यहाँ पर है, मतलब किस तरह से जाना है, इस तरफ से जाना है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बार लिखेंगे 5 कहाँ से शुरू हुआ है, तो यहां से शुरू हुआ है आर से, है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज आर, फिर क्या, 5 के बाद 9, यानी इस तरफ, तो हम क्या कहेंगे, आर क्यू पी। तो यहां से हमें पता चला कि त्रिभुज जो भी हमें दिख रहा है ये दोनों सर्वांगसम है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी आर क्यू पी के सर्वांगसम होगा, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, कोई भी चैट में बातें भी नहीं करेगा, त्रिभुज एबीसी आर क्यू पी के सर्वांगसम होगा, नाम कैसे मैंने दिया। चलिए अब देखते हैं इसका क्या फायदा है, ठीक है। अगर नाम देने के लिए आपने सीख लिया, बस आपको यह देखना है 5 9 7, तो यहां भी 5 9 7 देना है। अब 5 7 9 इस तरीके से चले जाओगे, आर पी क्यू लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा
इतना अगर समय दे रहे हैं नाम लिखने पर, इतना मैं बोल रहा हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्या फायदा होगा? तो इसका क्या फायदा है ध्यान से देखिए, अगर मैं इस आकृति को नहीं देखूं, ऊपर वाली आकृति को कोई नहीं देखेगा, ठीक है, बस इस वाली रिलेशन को अगर हम देखें कि त्रिभुज एबीसी आरक्यूपी के सर्वांगसम है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, संगत भुजा आपस में बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं ए बी जो है, ए बी के संगत कौन सी भुजा है, अगर ए बी लिया गया तो आर क्यू लेंगे, तो ए बी और आर क्यू आपस में बराबर हो जाएगा। अब इससे आप फिगर देख के चेक करो, ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई हमें दिख रही है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर क्यू की लंबाई देखो उसके बराबर है कि नहीं, आर क्यू देखो दिख गया 5 सेंटीमीटर, दिखा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए सी की लंबाई, यहां से देखो ए सी, तो यहां से आप लोगे आर पी, है ना, ए सी और आर पी बराबर होगा, ठीक है। तो आप अब चित्र को देखो, आपको चित्र देखना ही नहीं पड़ेगा, आप अगर इस तरीके से नाम सही सही लिखोगे तो आपको चित्र देखने की कोई जरूरत नहीं, तो आप यहीं से बता सकते हो एसी की जो लंबाई होगी वो आरपी के बराबर होगी। अब यहां से आप चेक करके देखो एसी की लंबाई कितनी है, एसी की लंबाई 7 है और आरपी की भी लंबाई आपको दिख रही होगी 7 है ना, तो यहां से आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा नितिन, फिर से आपका माइक ऑन है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो क्या गलती हो गई थी, तो सभी चीज आप अगर समझते रहोगे तो भी आपको क्वेश्चन सारी करने में काफी आसान लगेगी। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर का सर्वांगसम है, तो इसको देखकर अगर कोई बच्चा इस तरीके से लिख दे तो उसका आंसर क्यों गलत हो जाता है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, तो इसको देखकर आप क्या बोलोगे कि ए बी जो है, ए बी के संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू है, तो आप बोलोगे ए बी पी क्यू के बराबर है। अब आप जब चित्र देखोगे तो चित्र से आपको क्या पता चलेगा, ए बी की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर दी गई है और पी क्यू की लंबाई कितनी दी गई है, पी क्यू की लंबाई 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमारा गलत हो जाएगा यहां से, है ना। ये समझ में आया क्यों गलती हो रहा है, तो ऐसा लिखना सही नहीं होगा, नाम हमेशा ध्यान से देखकर बताओगे। समझ में आया या नहीं आया, ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई कि आप नाम कैसे दोगे, सभी लोग चैट में लिखकर बताएंगे वाई या एन, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या डाउट हुआ आपका, अगर डाउट है जो भी डाउट है आप चैट अपना माइक ऑन करके आप बताओगे, नितिन आप अपना माइक ऑन करोगे और बताओगे आपको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं कोई चित्र नहीं बना रहा, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम, अच्छा इस बार एबीसी नहीं लिखते कुछ और लिखते हैं, है ना, त्रिभुज सी ए बी ये सर्वांगसम है, त्रिभुज एम एन ओ के, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, आवाज कट कट के आ रही है तो ये नेटवर्क का इशू है नितिन आपका, क्योंकि सभी को आवाज सही से जा रही है, तो आप कोशिश करो कि ऐसे जगह पर बैठो जहां पर नेट अच्छा आता हो, ठीक है। अगर हमारे तरफ से कोई अगर नेटवर्क का इशू होता है तो हमें पता चल जाता है, जैसे ही स्क्रीन नहीं दिखता मैं बस बोल देता हूँ कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, है ना, तो मैं मुझे पता चल जाता है अगर यहाँ से कोई इशू होता है। चलिए तो यहाँ से आप देखोगे कोई भी चित्र आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे इस तरीके से लिख कर दिया गया है तो आप सीधे क्या बोलोगे कि संगत भुजाएं बराबर होती है, तो आप क्या कहोगे, अगर मैं सी ए ले रहा हूं तो सी ए किसके बराबर होगा, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, सी ए किसके बराबर होगा, सी ए कौन से भुजा के बराबर होगा, अगर मैंने यहां पर सी ए को लिया तो आप यहां पर भी एम एन को ले लो, आगे वाला ए को छोड़ दिया बी को छोड़ दिया तो यहां भी ओ को छोड़ दो, तो यहां पर एम एन के बराबर होगा, ठीक है, बस इतना आसान था।
ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूं कि बी ए किसके बराबर होगा, तो आप ध्यान से देखना। अगर मैं बोल रहा हूं बी ए, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा बी ए, तो आप लिखो ओ एन, तो आप लिखोगे ओ एन, ठीक है, तो ओ एन के बराबर। आप अगर बी ए लिख रहे हो तो आपको ओ एन लिखना पड़ेगा। ऑर्डर भी ध्यान दीजिएगा, बी से ए की तरफ तो ओ से एन की तरफ। ऐसे आप एनओ भी लिखोगे तो आंसर सही होगा, बट ज्यादा आपको क्या करना है, ओ एन लिखोगे सबसे ज्यादा सही, ठीक है, ओ एन आपको लिखना चाहिए, ठीक है, तो बी ए ओ एन के बराबर होगा। ये सारी चीज समझ में आ गई है तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है और बिल्कुल कम समय मिलेगा आप इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये क्वेश्चन रहा, आपको अभी दिख रहा होगा, तो आप सभी को बस ये बताना है कि ये जो भी दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो बस हाँ या ना में आंसर करना है, बस 10 सेकंड है आपके पास, बस 10 सेकंड में बस आंसर को एंड कर दूंगा फुली। बस आपको देखना है, इसमें कॉपी और पेन की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आप देखो कि ये जो दोनों त्रिभुज दिख रही है, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं है, हाँ या ना। काफी कम आंसर आए, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना चाहिए। अब 5 सेकंड और है, क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत कम समय दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग आंसर करें, काफी कम आंसर आए हैं अब तक। तो आप जब तक आंसर नहीं दोगे, आप सारी चीजों को सीख नहीं पाओगे। तो आपको सिर्फ क्लास नहीं करना है, जितने भी बच्चे हो सभी लोग पोल में आंसर जरूर करें। और अगर पोल में आंसर करना नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर पोल के बारे में नहीं पता या पोल नहीं आता तो फिर तो चैट में आंसर दे दोगे, बट अगर पोल के बारे में नहीं पता तो पूछ सकते हो मुझसे। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर पूछा जा रहा है क्या ये दोनों जो त्रिभुज है सर्वांगसम है या नहीं, हाँ या नहीं, बस हाँ या नहीं में आंसर करना था। तो हमें साफ दिख रहा है कि ये दोनों त्रिभुज में पी क्यू भुजा को मैं देखूं तो पी क्यू भुजा कितनी लंबी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर लंबी है, और यहाँ पर ए बी भुजा भी उतनी ही लंबी है। तो हम ये कह सकते हैं पी क्यू जो है ए बी के बराबर है, तो हमें एक साइड मिल गई, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, क्यू आर कितनी है, 7.1 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहां हमें दिख रहा है बी सी भुजा 7.1 सेंटीमीटर लंबी है, तो हम कह सकते हैं क्यू आर जो भुजा है वो बी सी के बराबर है, तो हमें दूसरा भुजा भी मिल गया, मतलब साइड साइड दो भुजा मिल गई। तीसरी भुजा देखते हैं पी आर कितनी है, 5 सेंटीमीटर लंबी, और यहाँ हमें दिख रहा है ए सी 5 सेंटीमीटर लंबी, तो हम दिखेंगे पी आर जो है वो ए सी के बराबर है, तो तीसरी भुजा भी मिल गई। हम क्या कहेंगे, भुजा 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 प्रतिबंध या साइड 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है, इसके तीनों ही भुजा है, इसके संगत भुजाओं के बराबर है। आया ना, ये समझ में आया या नहीं। वैसे सभी के आंसर सही थे, सिर्फ एक आंसर छोड़ के सभी के आंसर सही थे, ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, जिनका आंसर एन है, इसमें क्या नहीं समझ में आया, इसमें क्या नहीं समझ में आया, सरोज आप एन लिख रहे हो, आप अपना अगर समझ में जो चीज नहीं आया आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अगर माइक ऑन करके नहीं पूछोगे तो फिर मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है, आप माइक ऑन करो और पूछो कि क्या नहीं समझ में आया। सर पूरा नहीं आया। तो इसमें क्या नहीं आया, देखो काफी आसान सा था, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, बस आपको ये देखना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, बस आपको देखना है हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 7.1 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 7.1 सेंटीमीटर, तो हमें दिख रहा है कि तीनों ही भुजा आपस में बराबर दिख रही है, इसके एक भुजा 3.5 तो यहाँ भी 3.5, है ना, तो साइड 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 प्रतिबंध से हमें साफ दिख रहा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यह तो काफी आसान सा था, है ना। बस आपको ये देख लेना है कि
कि तीनों भुजा संगत भुजाएं बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ए बी 3.5 सेंटीमीटर पी क्यू के बराबर। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, बी सी किसके बराबर, क्यू आर के बराबर, और पी आर मैं अगर लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, ए सी के बराबर। तो इस तरीके से कहेंगे तीनों ही भुजा आपस में एक दूसरे के आपस में बराबर है, तो क्या कहेंगे, सर्वांशम। ठीक, अगर अभी कोई भी डाउट हो आपका तो आप क्लास के एंड में भी रुककर मुझसे पूछ सकती हो। चल फिर से अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसका आंसर फिर से आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो बीसी की लंबाई पूछी जा रही है और ध्यान से करेंगे, देखो कि कौन सा दो त्रिभुज सर्वांशम है। यहां ध्यान से देंगे, पी क्यू आर नहीं लिखा गया है, पी आर क्यू लिखा गया है, ये हिंट है आपके लिए। तो यहां पर देखो त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी आर क्यू के बराबर है। अच्छा, आज के क्लास के एंड में आप सभी को एक लिंक दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास के एंड तक रुकेंगे, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के बारे में क्लास के एंड के बारे में एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो कोई लेफ्ट करके नहीं जाएगा। तो यहां पर देखें, ए बी सी पी आर क्यू के सर्वांशम है अगर, तो नाम को ध्यान से देखें उसके बाद आंसर करें, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। आंसर काफी कम आए, काफी कम बच्चों के आंसर आए। तो 5 सेकेंड और है आपके पास। त्रिभुज एबीसी अगर पीआरक्यू के सर्वांशम है, या दिया गया है, ठीक है, या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी अगर पीआरक्यू के सर्वांशम है तो बीसी की लंबाई बताएं। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अच्छा ध्यान से देखेंगे, काफी बच्चों के आंसर गलत आए हैं। ठीक है, तो गलत आए हैं, क्यों गलत हो गया? ठीक है, हाँ काफी के आंसर क्या है, अब पहले ध्यान से देखेंगे, कोई भी आंसर चैट में नहीं लिखेगा, सभी लोग अपना स्क्रीन पर देखें। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखें, सारी चीज समझ में आ जाएगी। दिया क्या गया है, त्रिभुज एबीसी और पीआरक्यू सर्वांशम है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, त्रिभुज एबीसी इसके सर्वांशम है, त्रिभुज पीआरक्यू के। ठीक है, अब हम मुझे पता है कि कोई दो त्रिभुज अगर सर्वांशम है यानी कॉन्ग्रुएंट है तो उसके संगत भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बीसी अगर मैं ले रहा हूं, बीसी तो बीसी की संगत भुजा कौन सी है, बस ये बताएंगे बीसी की संगत भुजा कौन सी है। आपको ये आकृति देखना भी नहीं था, इस आकृति की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ मान देखने थे इससे, तो ये बताएंगे बीसी के संगत भुजा कौन सी है। नितिन, तो बीसी का संगत भुजा अगर मैं पूछूं तो आपको हो गए आर क्यू, तो बीसी की संगत भुजा आर क्यू होगी, है ना। तो बीसी और आर क्यू बराबर होगा कि नहीं होगा, बीसी और आर क्यू बराबर होगा। ठीक है, तो आप कहोगे बीसी जो है वो आर क्यू के बराबर होगा, तो आर क्यू का लंबाई देखो कितना है, आर क्यू का लंबाई तो 8 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे बीसी की भी लंबाई 8 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। अब बताए किसका किसका आंसर सही हुआ था, जिसका सही हुआ था वो वाई लिखेंगे और जिसका गलत हुआ था वो एन लिखेंगे, तो इसका आंसर 8 सेंटीमीटर होगा। यहां पर मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम बच्चों के आंसर 5 सेंटीमीटर है, तो ये आंसर नहीं होगा। हाँ, तो इसमें काफी बच्चों के आंसर गलत हुए थे, तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों गलत हुआ था। अब समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। ठीक है, अगर आ गया तो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। ठीक है, अभी 3 मिनट समय बचा हुआ है,
तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे, और कोई छोड़कर नहीं जाएगा, होमवर्क भी नोट करेंगे और एक लिंक भी मैं दूंगा आपको। चलिए, तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाए और इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। यहां पर कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम है? चार त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, तो आप देख रहे हो एक और दो त्रिभुज सर्वांगसम है क्या, दो और चार त्रिभुज सर्वांगसम है क्या? तो सभी ऑप्शन को आपको चेक करना होगा, तो आप ध्यान से देखें कि कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम है। और भुजा 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 प्रतिबंध लग रहा है, साइड 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 लग रहा है, मतलब संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अभी क्लास कोई छोड़कर नहीं जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। 10 सेकंड में बस पोल को एंड करूंगा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करके होमवर्क देंगे और एक लिंक भी आपको आज दिया जाएगा, उस लिंक के बारे में क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पर देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि SSS प्रतिबंध से, यानी भुजा 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 प्रतिबंध से कौन सा दो त्रिभुज ऐसा है जो सर्वांगसम है। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा ऑप्शन नंबर वन, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो। तो आप त्रिभुज एक और त्रिभुज दो को अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या पता चल रहा है कि ए बी, चलिए चैट में भी आप लिख सकते हो, चैट ओपन है, तो मुझे ये दिख रहा है ए बी भुजा जो है वो पी क्यू के बराबर है या नहीं। तो मुझे दिख रहा है ए बी भुजा 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की है और पी क्यू भी 1.5 सेंटीमीटर की है। हमें मिल गया ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो एक भुजा तो मुझे मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओ। दूसरा भुजा देखते हैं बी सी, तो बी सी की लंबाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्यू आर की लंबाई कितनी है, यह भी 2.5 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, मतलब दूसरी भुजा भी हमें मिल गई, साइड साइड मिल गई, दो भुजा मिल गई। अब तीसरी भुजा को देखते हैं, ए सी की लंबाई कितनी है, 2.2 है ना, तो यहां भी पी आर की लंबाई कितनी दे रखी है, 2.2, यानी हम कह सकते हैं ए सी की जो लंबाई है वो पी आर के बराबर है, यानी तीसरी भुजा भी बराबर मिल गई। यहां से हम कहेंगे भुजा 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 या साइड 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 प्रतिबंध से एक और दो त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ये दोनों सर्वांगसम होगा। ठीक है ना, तो हमें ऑप्शन एक ही सही मिल गया। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन है, आपको पहला ही ऑप्शन सही मिल जाए, तो आप बाकी ऑप्शन को चेक भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक ही आंसर सही हो सकता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया या नहीं आया कि हमारा आंसर ए सही क्यों हुआ, वाई है। ठीक है, अब बाकी किसी भी ऑप्शन को चेक करके देख सकते हो, किसी भी ऑप्शन को चेक करोगे, जैसे मैं मान लो ऑप्शन डी को लेता हूं, तो ऑप्शन डी में तीन और चार त्रिभुज को देखोगे तो आपको साफ दिख जाएगा इसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर की दी गई है, इसमें भी एक भुजा 3 सेंटीमीटर की तो दिख गई, लेकिन जो दूसरी भुजा है 3.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर कहीं भी 3.4 सेंटीमीटर हमें नहीं दिख रहा है ना, तो कहेंगे ये दोनों त्रिभुज तीन और चार सर्वांगसम नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। चलिए, कोई भी डाउट है क्या आपका? अगर सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे। और अब मैं होमवर्क आपको बता देता हूं, सबसे पहले होमवर्क नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज क्या होमवर्क आपका है, एक्सरसाइज 13.1, अभी जो आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 13.1। ठीक है,
एक्सरसाइज 13.1 और एक्सरसाइज 13.2, प्रश्नावली 13.1 और प्रश्नावली 13.2, अगर ये बुक है तो इस बुक में टिक लगाएंगे, नोट कर लेंगे, और अगर नहीं है तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर 13.2 की स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अगर बुक नहीं है तभी लेंगे। ठीक है, अगर ले लिया तो अब इसके स्क्रीनशॉट ले लूंगे। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात भी सुनेंगे।